गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट टर्म पे हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक पढ़ा था, और इसके हमने 4 पार्ट्स कवर किए थे। फैब्रिक क्या होता है, उसकी केयर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसमें अगर कोई स्टेन लग जाए तो हम उसे कैसे रिमूव करते हैं। आज हम देखेंगे कि लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो जब हम किसी भी कपड़े को लॉन्डर कर रहे होते हैं, किसी भी कपड़े की धुलाई सफाई कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग ऑफ क्लोथ करते हैं। मतलब उसको उसके कलर, उसके टेक्सचर और उसकी क्वालिटीज़ के, उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग तरीके से रख लेते हैं। लाइट कलर के कपड़े एक साथ रख लेते हैं, डार्क कलर के एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग ऑफ क्लोथ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे किसी कपड़े में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कपड़ा कहीं से कटा फटा तो नहीं हुआ है। अगर कपड़ा कहीं से कटा फटा है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी मेंडिंग करते हैं, उसको पहले सुधारते हैं। सुधारने के बाद फिर हम उसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम हैंड फ्रिक्शन का यूज़ कर सकते हैं, हम ब्रश से स्क्रब कर सकते हैं, हम बीटिंग स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, हम नीडिंग और स्क्वीजिंग का यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग बाई मशीन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीक़ों से हम अपने कपड़े को वॉश कर सकते हैं। अब हैंड फ्रिक्शन में हमें सिर्फ हाथ से ही कपड़े को वॉश करना है, कोई और किसी भी तरीके का इक्विपमेंट उसमें नहीं लगाना है। स्क्रबिंग बाई ब्रश में आप देखिए कि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मैल ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कॉलर्स पे दिखाई देता है, कफ्स पे दिखाई देता है, तो वहाँ पे आप ब्रश का यूज़ करते हैं स्क्रब करने के लिए, ताकि वहाँ से जो एक्स्ट्रा मैल या गंदगी है वो निकल जाए। बीटिंग स्टिक से कपड़े का पानी भी निकल जाता है, प्लस जो एक्स्ट्रा मैल है वो भी निकल जाता है। इसके अलावा नीडिंग और स्क्वीजिंग से भी कपड़े के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स में मैल जमा होता है वो निकल जाता है। और ये सारे तरीके बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, आजकल तो सबके घरों में जो है मशीन्स होती हैं। तो आज की डेट में हम जो करते हैं, हम अपने टाइम को बचाने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ भी करते हैं और अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में भी धोते हैं। तो ये वॉशिंग के मेथड्स हो गए। वॉश करने के बाद हम कपड़े को सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम उसको आयन करते हैं, और आयन करके फिर उसे सॉर्ट करके अकॉर्डिंगली जिसका जहाँ कपड़ा है उसको उस जगह पे स्टोर कर देते हैं। अच्छा, अब हमने ये सारे काम तो कर लिए हैं, हमने क्या कर लिया, कपड़ा ड्राई कर लिया, कपड़ा अलग अलग तरीके से स्टोर करके रख भी लिया। लेकिन इसके अलावा हम अपने कपड़ों की केयर और मेंटेनेंस के लिए और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉटन के कपड़े हैं उन्हें स्टिफन करने की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हम उसमें स्टार्च लगाते हैं। ये स्टार्च बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टार्च को हम चावल से बना सकते हैं, स्टार्च को हम आरारोट से बना सकते हैं, और आजकल मार्केट में पहले से बने बनाए स्टार्च भी आते हैं जिसे रिवाइव के नाम से जाना जाता है। तो हम बकेट में पानी लेते हैं और उसमें रिवाइव डाल देते हैं, और रिवाइव डाल के हम उसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा सोक करके रख देते हैं, और उसके बाद उसको अच्छे से फैला करके और उसको धूप में डाल देते हैं, तो वो सूख जाता है और कपड़ा स्टार्च हो जाता है। इसके अलावा कपड़े का ध्यान रखने के उसमें हम कपड़े को ब्लीच करते हैं। जो सफ़ेद कपड़े होते हैं आपने देखा होगा कि अक्सर वो पीले पड़ जाते हैं, तो उन पीले कपड़ों का पीलापन हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लीच का प्रयोग करते हैं। और ब्लीच से हम अपने कपड़े को पहले गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें 2 ढक्कन ब्लीच डालते हैं, उसमें वाइट कपड़ों को हम डिप करके रख देते हैं 1-1.5-2 घंटे के लिए, एज पर कि वो कितना गंदा है। और उसके बाद फिर हम यही प्रोसेस पूरा दोहरा करके वॉशिंग का, और उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, तो कपड़े में सफेदी आ जाती है। तो ये जो आपने अभी पढ़ा, ये आपने पढ़ा लॉन्ड्रिंग ऑफ क्लोथ, जिसमें आपने कपड़े को सॉर्ट किया, मेंड किया, वॉश किया, ड्राई किया और आयरन करके रखा, और उसके अलावा कपड़े को स्पेशल फेंक देने के लिए उसमें स्टार्चिंग और ब्लीचिंग का भी यूज किया। ओके बच्चों, तो अगर किसी भी कपड़े को आपको साफ करना है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके।